हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों, यामा की तरफ से न्यू R5 V4 न्यू R5 M को लॉन्च किया गया है। गाइस हम लोगों को ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आ रही। हमें लग रहा था या तो R5 V4 आएगी या तो फिर R5 M आएगी, बट भाई ये कौन सोचता था कि R5 M और R5 V4 साथ में लॉन्च कर दिया जाएगा यामा की तरफ से। ये बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे यामा की तरफ से की गई है। गाइस आज की वीडियो में इस बाइक का कंप्लीट मैं आपको हाईलाइट फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं कि क्या क्या नए हाईलाइट फीचर्स आपको बाइक में मिले हैं, प्लस दोस्तों कंप्लीट प्राइस के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सा कलर का क्या प्राइस आपको बाइक में देखने को मिल रहा है, प्लस दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आई होप दोस्तों आज की जो वीडियो है वो R5 लवर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बात करते हैं हमारी यामा R5 M एंड R5 V4 के बारे में। गाइस सबसे पहले बात कर लेंगे प्राइस के बारे में। जी हाँ, कलर के साथ साथ प्राइस के बारे में बात करेंगे कि कौन सा कलर का क्या एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है। सबसे पहले V4 के बारे में बात करते हैं गाइस। रेड कलर अगर आप लेंगे तो रेड कलर का जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है वो रखा गया है 1,68,000 रुपए, 1,68,000। उसी में दोस्तों अगर आप डार्क नाइट कलर लोगे तो डार्क नाइट कलर का एक्स शोरूम प्राइस रखा है 1,69,000। जी हाँ, 1,69,000 डार्क नाइट कलर का रखा हुआ है। प्लस दोस्तों उसके बाद अगर आप ब्लू में जाते हैं, रेसिंग ब्लू सबसे महंगा कलर रखा गया, उसका एक्स शोरूम प्राइस रखा गया गाइस 1,73,000। तो ये तो दोस्तों V4 हो गया। अब आते हैं R5 M में। R5 M में आपको जनरली दो मोस्ट अच्छे कलर देखने को मिल रहे हैं। एक तो दोस्तों आप लोगों को बाइक में मेटेलिक ग्रे मिल रहा है जो कि इसका एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है 1,78,000, 1,78,000 रुपए। साथ में मॉन्स्टर एडिशन जो कलर आया गाइस उसका एक्स शोरूम प्राइस रखा गया 1,80,000, 1,80,000 रुपए के आसपास बाइक का एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है। तो ये तो दोस्तों कंप्लीट प्राइस हो गया। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि कलर के हिसाब से मैंने प्राइस बताया आप लोगों को, और आप लोगों को पता ही है दोस्तों भाई कि यामा की जो बाइक्स होती है उनका जो कलर ऑप्शन होता है उसके हिसाब से उनका प्राइस होता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बाइक के हाईलाइट फीचर्स के बारे में कि एक्चुअल में सबसे अच्छे अच्छे कौन से फीचर्स आपको बाइक में मिले हैं। सबसे पहला दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है न्यू डिज़ाइन। तो दोस्तों R5 M को आप देखेंगे अच्छी तरीके से या R5 V4 को भी देखेंगे तो दोनों ही बाइक का जो डिज़ाइन है वो सिमिलर है। देखिए डिज़ाइन सिमिलर है बट बाइक में ना जो कुछ फीचर्स है उसका डिफरेंस है। एक्चुअल में दोनों बाइक में फीचर्स का आपको फर्क मिलेगा लेकिन बाइक का जो डिज़ाइन है गाइस वो एकदम सिमिलर है। देखिए आप लोग अगर R5 M एंड R5 V4 को देखेंगे तो ये दोनों ही बाइक को दोस्तों सेम डिज़ाइन किससे लिया गया है, यामा की R7 से इंस्पायर्ड है। अगर आप लोगों ने अभी तक यामा की R7 नहीं देखी गाइस तो एक बार आप कभी गूगल में सर्च करो। R7 को दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च किया गया था कुछ दिन पहले, सेम उसी से इंस्पायर्ड इंडिया में यामा की R5 M एंड यामा की R V4 को उसी के हिसाब से बनाया गया है, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी अच्छा डिजाइन है। फ्रंट लुक अगर आप लोग देख पा रहे बाइक का दोस्तों, बाइक में आपको सिंगल प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल रही है जो कि काफी ज्यादा ब्राइट है। एंड मैं आपको बता दूं इसका जो लुक है ना गाइस वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप V3 से इसकी कंपेयर करोगे तो मैं आपको बता दूं इस बार बाइक को और भी ज्यादा शार्प बनाने की कोशिश की गई है, काफी अच्छा एरोडायनेमिक बनाने की कोशिश की गई है ताकि बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफी ज्यादा मिल सके और बाइक अच्छा परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज यामा ने काफी अच्छी तरीके से किया है कि बाइक का जो डिजाइन है गाइस उसे नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिल गया है। तो ये तो दोस्तों पहला हो गया बाइक का न्यू डिजाइन। सेकंड चीज के बारे में बात करें तो वह दोस्तों USD फॉक्स सस्पेंशन। गाइस आप लोगों को बाइक में अपसाइड डाउन सस्पेंशन गोल्डन कलर के देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पे दोस्तों बहुत दिनों से क्वेश्चन मार्क लग रहा था कि यामा की V4 या फिर V3 में ही अपडेट होकर आएंगे अपसाइड डाउन सस्पेंशन, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहां पे आपको न्यू V4 R5 M मिल गई जिसमें आप लोगों को न्यू USD फॉक्स सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये भी एक आपको काफी अच्छा हाईलाइट फीचर बाइक में देखने को मिल रहा है। दोस्तों नेक्स्ट हाईलाइट फीचर्स के बारे में बात करें दोस्तों तो वह बाइक में क्विक शिफ्टर प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल। बट दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि जो क्विक शिफ्टर और जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यामा की R5 M में मिलेगा। जी हाँ, V4 में ये फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, R5 M इसीलिए थोड़ी सी महंगी है। अब क्विक शिफ्टर क्या होता है मैं बता दूं, क्विक शिफ्टर का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप लोगों को विदाउट क्लच विदाउट एक्सेलेटर रिलीज किए आप बाइक का जो
गियर है उसको अप कर सकते हैं, जी हाँ गियर लगा सकते हैं विदाउट क्लच विदाउट एक्सेलेटर रिलीज किए, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर्स आपको बाइक में मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल भी बहुत काम की चीज़ होती है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी मुरुम मुरुम जगह में गाड़ी चलाते हो जहाँ पे स्लीपी होता है, वहाँ पे आप व्हील होते हैं वो अननेसेसरी व्हील को घूमने नहीं देंगे, जिससे आपके गिरने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हाईलाइट फीचर्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो वो है बाइक का न्यू स्पीडोमीटर, जिसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, यामा की R1 में जो स्पीडोमीटर आता है उस तरीके का स्पीडोमीटर आप लोगों को यहाँ पे R15M एंड R15V4 में देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो स्पीडोमीटर है, जो ओल्ड स्पीडोमीटर रहा था वर्जन 3 में, उससे कंपेयर में भाई आपको काफ़ी अच्छा स्पीडोमीटर ये देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है और दिखने में काफ़ी अच्छा है। और फीचर्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो फाइनली आपको इस बाइक में मोबाइल कनेक्टिविटी भी देखने को मिल गई है, जिससे आपको मोबाइल का बैटरी स्टेटस, कनेक्शन स्टेटस, SMS अलर्ट, कॉलिंग अलर्ट, ये सारे फीचर्स आपको बाइक में देखने को मिल जाएंगे। यानी कि दोस्तों, इस बार फीचर्स की कोई भी कमी नहीं रखी गई है R15M में और R15V4 में। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भाई, किसी 150cc बाइक में इतने सारे फीचर्स यार, वो भी इतने कम प्राइस में। देखा जाए तो प्राइस उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया, ना कॉमन मतलब ज़्यादा ही नहीं बढ़ाया गया, नॉर्मल प्राइस में आपको ये बाइक मिल गई है। नेक्स्ट हाईलाइट फीचर्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो वह न्यू एरोडायनेमिक डिज़ाइन। अब मैंने आपको शुरू में बताया था न्यू डिज़ाइन, बट यहाँ पे एरोडायनेमिक डिज़ाइन मैं आपको इसलिए अलग से बता रहा हूँ क्योंकि इस बार बाइक को ना और अच्छी तरीके से एरोडायनेमिक बनाने की कोशिश की गई, ताकि विंड ब्लास्ट ना लगे बाइक को और टॉप स्पीड अच्छे से ये अचीव कर पाए। अब मैं आपको बता दूं, ये बाइक ऑलमोस्ट गाइस 150 से आराम से टच कर लेगी, और 150cc बाइक एक 150 अगर टच करती है तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है। एंड इंडियन मार्केट में बहुत सारी 200cc बाइक्स भी अवेलेबल है, लेकिन 200cc बाइक को भी R15 पूरा टक्कर देती है और उनको बिट करने का दम रखती है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको R15 में देखने को मिल जाएगा गाइस। और R15V4 R15M मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट 150cc बाइक इन इंडियन मार्केट बन चुकी है, या आप कह सकते हो 2 लाख रुपीज़ के अंदर अगर आपको कोई बाइक चाहिए तो सबसे पहले आपके नाम पे R15V4 या फिर R15M आएगा। दोस्तों नेक्स्ट ये कि बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिल रहा है, बट मैं आपको बता दूं, पहले क्या R15 में डुअल चैनल ABS का काफी ज्यादा इशू बोलते थे। इशू मतलब ऐसा बोलते थे कि जिसका जो रियर ABS है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करता था, बट कहा जा रहा है यामा की तरफ से इस बार बाइक को और भी अच्छी तरीके से ब्रेकिंग को ध्यान देकर बनाया गया, ताकि इस बार जो आपको बाइक की ब्रेकिंग मिलेगी वो और भी बेटर मिल जाएगी। प्लस दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बार बाइक का ना कोई तोड़ नहीं है, इतने सारे फीचर्स है। एंड मैं आपको बता दूं, बाइक का जो एग्जॉस्ट रहेगा इस वो इस बार थोड़ा सा लाउड रहेगा कंपेयर टू V3, ये भी चीज़ आपको बाइक में मिलेगी। दोस्तों अगर इंजन के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं, इंजन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ इस बाइक में। आपको पहले की तरह 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन आपको बाइक में मिल जाएगा, नंबर ऑफ 6 स्पीड गियर के साथ में स्लीपर क्लच भी आपको प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों पावर इस बार थोड़ा सा कम है, 18.3 bhp का पावर दिया गया, जो कि पहले के मुकाबले 0.4 का पावर डाउन कर दिया गया है। एंड 14.1 का न्यूटन मीटर टॉर्क आपको बाइक में देखने को मिला है, जो कि मुझे लगता है दोस्तों कि पावर बाइक में कम नहीं करना था यार। अगर आप लोग इतने अच्छे फीचर्स दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है पावर भी मेरे हिसाब से बढ़ाना चाहिए, ना कि कम करना चाहिए। एटलीस्ट 19 bhp के आसपास का पावर कर देना चाहिए, जो कि BS4 मॉडल में आता था, बट अब भाई वो चीज नहीं की गई तो फिर क्या कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल दोस्तों बाइक को ना काफी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया और ये बाइक ना भाई मार्केट में काफी धूम मचाने वाली है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम।